वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल क्वेश्चन पिक किए हैं 15। आई होप भाई, मतलब वीडियो थोड़ा इधर उधर हो रहा था इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन पिक किया। अगली बार से Q&A में 20 क्वेश्चन पिक करूंगा। फिलहाल तो मतलब 15 क्वेश्चन पिक किए हैं, तो आई होप आप सभी के क्वेश्चन पिक हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कमेंट की तरफ से, तो ये कमेंट हमें अर्श बुट्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A फर्स्ट ब्रो, क्या रसलमेनिया में रॉक एंड स्टोन कोल्ड एक अपीरियंस देखने आ सकते हैं? वेल, देखो यार, स्टोन कोल्ड तो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन द रॉक के अपीरियंस के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। तो लेट्स सी, द रॉक देखने को मिलते भी या फिर नहीं देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो, क्या रसलमेनिया में बेली वर्सेस लीटा होगा? वेल, इसके पॉसिबिलिटी मुझे भी लगती है कि ब्रो बेली वर्सेस लीटा हमें रसलमेनिया 39 में शायद देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि थर्ड ब्रो, क्या मर्सिडीज मोन IWGP चैंपियनशिप जीतेगी, मेंस या वुमेंस? वैसे वुमेंस तो जीतेंगी ही डेफिनेटली, मुझे लगता है WWE की बड़ी सुपरस्टार है। तो यहाँ पर NJPW वाले मौका दें मर्सिडीज मोन यानी कि साशा बैंक्स को एक चैंपियनशिप जीतने के लिए, वो भी जापान के अंदर, तो चांसेस है भाई। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमारे अंश की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि विनर ऑफ रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, तो मैं यहाँ पर सीधा पिक करूँगा रोमन रेंस। लेट्स सी क्या होता है रसलमेनिया में, तो पता चल जाएगा। अगले कमेंट की बात करें, तो ये कमेंट हमें मोहम्मद बकीर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक मैच एट मेनिया, तो ब्रॉक का मैच मेनिया में हो सकता है गंथर के साथ देखने को मिले, पॉसिबिलिटीज इसी की लग रही है मुझे। तो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें समीर की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या स्टोन कोल्ड रसलमेनिया में आ सकते हैं? ओके, यस, मुझे लगता है कि यस, स्टोन कोल्ड आएंगे रसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें पवन मुंडे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, रॉक कब आएगा? वेल, सब लोग रसलमेनिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि कहीं मत करो, लेकिन मे भी हो सकता है, क्या पता रसलमेनिया में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि रसलमेनिया 39 में द फिंड वर्सेस डीमन फिन होगा? वेल, देखो यार, द फिंड वर्सेस डीमन किंग तो मुझे नहीं लगता कि मतलब रसलमेनिया 39 में होगा, बट पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डीमन फिन बैलर वर्सेस हमें हो सकता है कि ब्रूड एज देखने को मिले रसलमेनिया 40 के लिए, ड्रीम मैच बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूछना है कि ब्रॉक का मैच रसलमेनिया 39 में होगा? भाई होगा, ब्रॉक का मैच मे बी हमें गंथर के साथ देखने को मिले। 4th इनका पूछना है कि रोमन हार गया, तो रोमन का क्या रसलमेनिया के बाद होगा? रसलमेनिया के बाद मतलब हाँ, रोमन हार गया तो रोमन का क्या होगा रसलमेनिया 39 में? वेल, वो तो टाइटल वहाँ पे हारेंगे ही, हो सकता है उसके बाद हमें उनके साथ यही देखने को मिले कि वो चैंपियनशिप लूज करने के बाद ब्रेक पे जाते हुए दिखाई दे जाए। वेल, अपडेट्स तो आई है, साथ से हमें वो लूज ना करते हुए दिखाई दे जाए। इनका 5th क्वेश्चन है कि 50 के सुन, यस ब्रो जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, लव यू नॉर्मी भाई, थैंक यू, ये भी कोई क्वेश्चन है, थैंक यू भाई। एंड #Q&A भाई, मेरे क्वेश्चन पिक करो ना प्लीज 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 नॉर्मी भाई। #Q&A #BestYouTuber #50K सून प्लीज पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई, थैंक यू यार इतना प्यार देने के लिए। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें नुमान कुरेशी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि रैंडी ऑर्टन रसलमेनिया में किसको फेस करेंगे? तो रैंडी ऑर्टन रसलमेनिया में मुझे लगता है कि फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो भी रिडल को। वेल, मुझे लगता है कि रिडल को ही फेस करते हुए दिखाई देंगे, क्या पता WWE ये स्टोरी लाइन यहाँ पर डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि उसके बाद कोई और अपोनेंट बचेगा नहीं मुझे लगता है कि। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें RVCJ इंस्टा का देखने को मिल रहा है, मीडिया फॉर यूट्यूब। तो इनका पूछना है कि भाई द रॉक रॉयल रमल में तो नहीं आए, तो क्या रॉक फाइनली रसलमेनिया में आएंगे? वेल, मैं कुछ कह नहीं सकता, यस रसलमेनिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस सेमी होगा क्या रसलमेनिया में? वेल, ये फैंस के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चांसेस है कि शायद नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर फैंस का रिएक्शन थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा हुआ तो ये हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें बीस्ट स्टेटस का देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है कि #Q&A ब्रॉक के नेक्स्ट 5 अपोनेंट, तो नेक्स्ट 5 अपोनेंट मुझे लगता है कि नेक्स्ट गंथर होंगे, गंथर के बाद हो सकता है कि हमें रैंडी ऑर्टन में चूज करूंगा, ड्रू मैकइंटायर चूज करूंगा, और इसके बाद मैं चूज करना चाहूंगा मैट रिडल को, और उसके बाद मैं चूज करना चाहूंगा ब्रॉन ब्रेकर को। लेट्स सी कौन कौन सा अपोनेंट देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट।
अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें अकीब शेख का देखने को मिल रहा है। तो भाई इनका पूछना है कि भाई क्या सैमी वर्सेस रोमन के मैच में द रॉक का इंटरफेरेंस हो सकता है? ये एलिमिनेशन चेंबर की बात है आई थिंक। वेल मुझे लगता है कि शायद ना देखने को मिले, बट कुछ कह नहीं सकते यार। WWE यहाँ पर बहुत खतरनाक गेम खेल सकती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि द रॉक एलिमिनेशन चेंबर में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। अगर हो गया तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा यार। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें यूनिक वन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #QA फर्स्ट रोमन और कोडी में पिक रोमन रेंस। यार पिक कर लिया यार रोमन रेंस ही। सेकेंड इनका पूछना है कि विल रैंडी ऑर्टन विन मनी इन द बैंक एंड कैश इन समर स्लैम फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप? वेल आई थिंक ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और मुझे लगता है कि ऐसा हमें कुछ देखने को मिल भी सकता है अगर रैंडी ऑर्टन अगर जीतते मनी इन द बैंक। तो भाई ये रैंडी ऑर्टन मनी इन द बैंक को संभालने में, ब्रीफकेस को कैश इन करने में बहुत ही माहिर है। इनके पास अगर ब्रीफकेस गया तो भाई ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है उस ब्रीफकेस के साथ में। ये और सेथ रॉलिंस, मैं इन दोनों को ही पिक करता हूँ भाई। हर बार मनी इन द बैंक के अगर विनर को बनाना है ना, मतलब किसी को भी, सेथ और रैंडी से कोई बढ़िया अपोनेंट नहीं मिलेगा भाई। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें AG टेक्निकल गाइस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है क्वेश्चन नंबर 1, भाई क्या जेउसो वर्सेस रोमन रेंस फिर से होगा? वेल मुझे नहीं लगता कि होगा, बट मे बी रेसलमेनिया के बाद शायद WWE चाहे तो कर सकती है, हो सकता है, मतलब जैसी यहाँ पर स्टोरी लाइन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि भाई क्या रॉक वर्सेस रोमन का मैच रेसलमेनिया 40 में होगा? वेल पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया 40 में होगा, क्योंकि 39 में नहीं देखने को मिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो 40 में क्या ही देखने को मिलेगा? फिलाडेल्फिया में होगा ना शायद, नहीं देखने को मिलेगा यार। जब हॉलीवुड में नहीं हुआ था तुम वहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूछना है कि भाई आपके हिसाब से रोमन वर्सेस कोडी के मैच में कौन जीतेगा? तो रोमन वर्सेस कोडी के मैच में मुझे लगता है कि रोमन रेंस ही जीतेंगे मेरे हिसाब से, पर्सनली मुझे यही लगता है। आपके थॉट्स कमेंट बता देना। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है उमर तनवीर का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, ब्रो क्या रॉक रेसलमेनिया के सरप्राइज एंट्रेंस कर सकते हैं? तो भाई देखो, रॉक रेसलमेनिया में आ सकते हैं, इसके चांसेस 50-50 हैं। वेल मैं इसको पर्सनली कंफर्म नहीं करना चाहूँगा, बट कह सकते हैं कि ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि ब्रो क्या जॉन सीना रेसलमेनिया में एक US चैम्पियन बनने वाले हैं? वेल देखो यार, जॉन सीना वर्सेज ऑस्टिन थियरी ये लॉक्ड है, इसके चांसेस पूरे हैं और मैच हमें ये देखने को मिलेगा भी। हो सकता है यहाँ पर टाइटल चेंजेस देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना एक टाइटल रेन देंगे यहाँ पर। वो बेसिकली जॉन सीना ऑस्टिन थियरी को ओवर करने के लिए आएंगे, तो ऐसे में टाइटल चेंज शायद ही देखने को मिले। एंड लेट्स सी, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर टाइटल चेंज देखने को मिलेगा अभी। आपको क्या लगता है भाई कमेंट में बता देना। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें सरोज शाह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या AJ स्टाइल्स द रॉक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और गोल्डबर्ग का रिटर्न होगा रोड टू रेसलमेनिया में? तो देखो यार, AJ स्टाइल्स को मैं पिक कर सकता हूँ इसमें और स्टोन कोल्ड को, गोल्डबर्ग और द रॉक का मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। गोल्डबर्ग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, द रॉक पॉसिबिलिटीज थोड़ी बहुत है, लेकिन इनको भी मैं कन्फर्म नहीं करना चाहूँगा। तो इन दोनों में से मतलब बहुत कम चांसेस है, लेकिन AJ स्टाइल्स और स्टोन कोल्ड इनके चांसेस अच्छे खासे हैं, तो ये दोनों देखने को मिल सकते हैं रोड टू रेसलमेनिया 39 के दौरान में, और देखते हैं कब तक हमें इनका रिटर्न देखने को मिलता भी है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये मेन इवेंट कमेंट है, और मेन इवेंट कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विशाल दास का। तो इनका पूछना है कि #QA, हेलो पंकज भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रो जे उसो क्या स्मैकडाउन में आएंगे? वेल आ चुके वो स्मैकडाउन में, स्मैकडाउन तो हो चुका है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि भाई कोडी वर्सेस रोमन के मैच में कौन जीतेगा? तो कोडी वर्सेस रोमन के मैच में मुझे लगता है कि कोडी रोड्स हार जाएंगे, रोमन जीत जाएंगे। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई, मैंने आपको फर्स्ट कॉमेंट दिया है इसलिए भाई पिक हो गया क्वेश्चन। वेल आई होप कि भाई इतने ही से क्वेश्चन थे, आई होप मैंने सभी के क्वेश्चन पिक किए होंगे। वैसे बहुत सारे कमेंट्स छूटे होंगे, आई नो कि बहुत सारे कमेंट्स छूटे होंगे, अगली बार Q&A में मैं ज़रूर पिक कर लूँगा एंड 20 कमेंट्स में पिक करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। यस, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पिक हो जाते हैं, फिलहाल तो मैंने 15 क्वेश्चंस पिक किए हैं। वेल आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मैंने अभी भी जो भी अपने ओपिनियंस दिए इन सारे कमेंट्स के ऊपर, क्या लगता है क्या हो सकता है रेसलमेनिया और रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पर फॉलो भी कर लिया करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।